बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे सिंध के जो मेडिकल कॉलेज है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके एडमिशन के हवाले से शेयर करेंगे। आपको बताते चले कि MBBS और BDS के बाद जो इनके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, वो DPT, PharmD और नर्सिंग प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो ये जितनी मेडिकल कॉलेजेस है और डेंटल कॉलेजेस है, इसके अलावा इनका इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन भी इनके अंदर आता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और मतलब के बेनजीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SMBBMU लाड़काना, मतलब के ये भी मेडिकल कॉलेज, ये भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अंदर ही आते हैं। और फार्मडी का ये 5 ईयर्स का कोर्स, नर्सिंग का 4 साल का, और DPT का डॉक्टर फिजियोथेरेपी 5 ईयर्स का प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं। अब इनके एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। अगर हम लोग वन बाय वन देखें तो फार्मडी की अगर हम लोग की बात करें तो ये जो इसकी डेट ऑफ इनविटेशन एप्लीकेशन है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 29 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने जाके अप्लाई नाउ पे जाके आप लोगों ने जो है लॉगिन करना होगा। पहले आप लोग रजिस्टर कर लेगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब रूल्स ऑफ एडमिशन जो है वो DPT और PharmD के दोनों सेम ही है। और अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स का क्या चाहिए होगा, एंट्री टेस्ट की एडमिट कार्ड स्लिप चाहिए होगी, एंट्री टेस्ट रिजल्ट कॉपी, जो कि आपको MD कैट का जो रिजल्ट होगा वो चाहिए होगा। अब MD कैट की जो मार्क्स है वो बड़ा इन्होंने फर्क रख दिया कि MBBS और BDS के लिए 50% रखे थे, और इधर जो है इन्होंने MD कैट जो 35% जो है मार्क्स, पासिंग मार्क्स, वो भी जो है 35% इनके मार्क्स है, 74 मार्क्स है, वो भी जो है अलाउड हो गए इधर अप्लाई करने के लिए। और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर आप लोग डॉक्टर फिजियोथेरेपी की बात करें तो वहां पे जो है आपको इनका फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग DPT के इसमें आए गए, रूल्स ऑफ एडमिशन वो सेम ही है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें सेम है कि आपके FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोग फीस की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर यहाँ पे आप लोग जो है ये हॉस्टल फी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे जो है आप लोग एडमिशन फी आप लोग देख सकते हैं कि 30,000 रुपये देने होंगे। ट्यूशन फी जो है पहले सेमेस्टर की या मतलब कि एक सेमेस्टर की जो है वो 75,000 रुपीज़ है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये DPT और PharmD का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन आप लोग करेंगे तो वो आपको पूरे साल के 500 रुपये देने होंगे। एनरोलमेंट फ़ी 2,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में ही जमा करानी होगी। प्रोस्पेक्टस फ़ी 1,000 रुपये पहली दफ़ा ही जमा करानी होगी। और ये तमाम यहाँ पे फीस जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और हॉस्टल फ़ी आप लोग देख सकते हैं कि पूरे साल की 10,000 रुपये है। टोटल मतलब के जो पूरे मतलब के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जमा करानी होगी वो 1,30,000 रुपये, 1,30,700 रुपये जमा कराने होंगे। बाकी अगले सेमेस्टर में आपको जो है 75,000 जमा कराने होंगे। फिर आपको जो है अगले साल 95,000 जमा कराने होंगे। तो ये तमाम फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर सेल्फ फाइनेंस की आप लोग फीस पे की बात करें तो ट्यूशन फी जो है वो 1,50,000 रुपये है, और यहाँ पे जो है आपको हर सेमेस्टर इतनी 1,50,000 रुपये ही होगी। और एडमिशन फी भी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, 45,000 रुपीज़ है। और अगर आप लोग देखें कि पहले साल आपको 2,20,700 रुपये जमा कराने होंगे, और बाकी अगले सेमेस्टर में जो है 1,50,000 और 1,70,000, मतलब कि ये इनकी जो है फीस स्ट्रक्चर होगी। अगर फी अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो PharmD के अंदर आप लोग देख सकते हैं के मेरिट के ऊपर जो है वो लाड़काना की 4 सीट्स है, कराची की 4 सीट्स, हैदराबाद की 3, और ये तमाम इनके जो के कोटा वाइज जो सीट्स होती है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करें तो यहाँ पे 3 सीट्स हो गए, सीट्स होगी, टोटल जो है वो 60 सीट्स है। ये जो है आप लोगों ने देख लिया कि ये PharmD की है। और अगर हम लोग यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा मैनेजमेंट की हुई है कि PharmD के पोर्टल के ऊपर जो है DPT की जो सीट्स है वो प्रोवाइड की हुई है। और DPT के जो के आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है DPT के उसमें यहाँ पे DPT PharmD की प्रोवाइडेड है। अगर PharmD की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 60 सीट्स है, और तकरीबन PharmD और जो DPT की सीट्स है और इनकी फीस स्ट्रक्चर है वो दोनों तकरीबन सेम है। इसके अलावा अगर आप लोग नर्सिंग की बात करें तो जो इनके एडमिशन है वो नर्सिंग के लिए भी ओपन हो चुके हैं। BS नर्सिंग जो 4 साल का प्रोग्राम होता है उसकी भी जो डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन वो 17 जनवरी है, और लास्ट डेट जो है 29 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट जो है वो उसका 13 फरवरी को होगा।
इसके लिए आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन इसमें जो है नर्सिंग के लिए आपको अलग से टेस्ट देना होगा। डीपीटी और पामडी के लिए आपका एमडी कैट का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, और उसमें भी आपके जो है वो मतलब कि 35% अगर आपके एमडी कैट में मार्क्स है तो वो आप अलाउड हो गए। बीएस जेनेरिक की बात करें नर्सिंग की, तो वो 50% मार्क्स होने चाहिए एमडी कैट के, और एज लिमिट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और डोमिसाइल जो है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है नर्सिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन फी जो है वो 20,000 रुपीज़ है, ट्यूशन फी जो है वो 18,000, और ये पूरे साल की 18,000 है, और ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है उसकी 1 लाख रुपए है। और अगर हम लोग देखें तो पहले साल आपको जो अगर मेरिट पर अप्लाई करते हैं तो पहले साल आपको 80,700 रुपीज जमा कराने होंगे, और बाकी सालों में जो है वो 43,000 रुपीज जमा कराने होंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की देखें तो सिंध की जो है वो 42 सीट्स है, बलूचिस्तान की 1, पंजाब की 2, केपीके की 1, इस्लामाबाद की 1, और सेल्फ फाइनेंस की 3 सीट्स है। और यहाँ पे जो है पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग प्रोग्राम जो 2 साल का होता है उसकी भी सीट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ये सिंध के जो भी मतलब के फॉर्म डी और डीपीटी और बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम्स की आप लोग ने लिस्ट देख ली। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।